कितनी मर्तबा मना किया रानी, मेरे इलाके में हाथ मत चलाया कर। कौन चलाता है तेरे इलाके में हाथ? वो तो बदोबदी लड़का अपने से टकरा गया और अपना हाथ फिसल गया। हाथ फिसल गया? हाथ अगर राजू का किसी दिन फिसल गया ना, तो अपने बाबा से शिकायत मत करियो। हाँ, बाबा से शिकायत करती है मेरी जूती। मैंने क्या हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी है? हाय, चूड़ियाँ तो इन हाथों में एक दिन पहनानी पड़ेंगी। छोड़ मेरा हाथ और दे मेरा बटुआ। ये बटुआ तो अब मेरा हो गया। बाप का मार समझा हुआ है? यूं तो बड़ा कैसा है, किसी का मारा हुआ शिकार नहीं खाता। आज क्यों नियत खराब हो गई? अरे जिसकी किस्मत में लाखों हो, उसकी नियत चंद सौ पे खराब नहीं होती। ये ले पकड़ अपना बटवा। हाँ। बस लाखों के ख्वाब ही देखता रहा कर। अरे वो दिन दूर नहीं जब ये ख्वाब हकीकत बन जाएंगे। रहने को खूबसूरत बंगला होगा, पहनने को खूबसूरत सूट होंगे, बैठने को लंबी सी कार होगी। बहुत तुझे पैसे से प्यार है ना? हाय पैसा, पैसा तो अपनी जिंदगी है, जिंदगी। हाँ और है? अरे जल गई ना कम बहुत पैसे के नाम से। अरे तू भी तो मेरी जिंदगी है, तुझसे भी तो मैं इतना ही प्यार करता हूँ कट्टो। हाँ ये कहाँ से आ गया? तू फिर आ गया? हाँ, मगर आज जाने के लिए नहीं आया। आज तो तुझे मेरी प्यास बुझानी ही पड़ेगी। अक्कू दादा को आज तक किसी ने इतना नहीं तड़पाया और अब कोई तड़पाएगी भी नहीं। कुछ कहने से पहले इधर उधर देख ले, हर डाल पर एक छिकरा बैठा। Thank you.
एक प्यारी से आया है। तो आ आ आ लज्जा थी में से। अबे ओ काजल के बच्चे, काजल लगने से पहले फूट। बस उस्ताद तुम्हारे में एक ही कमी है, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हो। फूट 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 रहे। तू मेरे पीछे क्यों आया? अरे तुझे आगे लगाने के लिए। मैं तेरे आगे क्या लगूंगी, मैं तो तेरे पीछे चलने के भी काबिल नहीं। मैं ठहरी गरीब लड़की, तू बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी तो अपन एक दिन जरूर बनेगा, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं ना, मगर अभी तो ये आदमी तेरा आदमी है ना। वारे वाह कट्टो। जब करे गजब करे मुखड़े पे तिल काला काला, गजब करे मुखड़े पे तिल काला काला, ना देखे अंधेरा ना देखे उजाला। तू चोर मुझे लगता है बुरे
रे ये मुश्किल से तन्हा जवान। गुजरे ये मुश्किल से तन्हा जवानी, साथ जरूरी है कोई मेरी रानी, साथ जरूरी है कोई मेरी रानी। देखे हैं तेरे जैसे लाखों दीवाने, सड़कों पे फिरते हैं झूठे परवाने। ये कैसी हसीना से पड़ गया पाला, चोर मुझे लगता है बुरे दिल वाला। गजब करे मुखड़े पे दिल काला काला। बारात तेरे घर में आऊंगा, लेके बारात तेरे घर में आऊंगा। तुझको कबूल कभी हक मैं न करूंगी, कुछ भी हो जाए तेरी डोली न चढ़ूंगी। कह के मुझे तूने हाय मर डाला, चोर मुझे लगता है बुरे दिल वाला। जब करे मुखड़े पे दिल काला 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 काला। दुनिया में रखा ही क्या है, तेरे बिन दुनिया में रखा ही क्या है। मैंने तो ऐसे ही छेड़ा था तुझको, जान से भर गए तू प्यारा है मुझको। ये प्यार अपना सबसे निराला, चोर मुझे लगता है अच्छे दिल वाला। तू चोर मुझे लगता है अच्छे दिल वाला, मस्का लगाए देखो रानी गजब करे मुखड़े पे तिल काला काला। गजब करे मुखड़े पे तिल काला काला, ना देखे अंधेरा ना देखे उजाला, चोर मुझे लगता है अच्छे दिल वाला। गजब करे मुखड़े पे तिल काला काला, चोर मुझे लगता है अच्छे दिल वाला। गजब करे मुखड़े पे तिल काला काला। सुनिए, चोर मुझे लगता है अच्छे दिल वाला। मुझे माफ कर दो दादा उस्ताद, मुझे छोटे उस्ताद की कसम, मैंने जिस भी जेब में हाथ डाला है तो हाथ दलील होकर वापस आया है। तो इन दोनों गुलों ने मुझे कहा, अरे जा अपनी हसरतों पे, अरे पुफिया तू बहा कह दो। तुम्हारी खा रहे तुम, चलो बनो मुर्गा। क्या जैसे जंजीर पहन मुर्गा बना जाता है। रास्ता भूल गया हूँ। तुम ठीक जगह पर पहुंचे हो। ये बताओ कि पुराना आदमी क्यों नहीं आया? बॉस ने पुराने आदमी को पुराना कर दिया। उसने बॉस के साथ कोई गद्दारी की होगी। तुम मेरे साथ आओ। ये बच्चे सुबह तक होश में नहीं आएंगे। तुम ऐसा करो कि रात को ही अपनी हुदूद में पहुंच जाओ। जानता हूं बॉस, इनको ट्रक कर ले जाने में मेरी मदद करो। ठीक है, मैं पिछला दरवाजा खोलता हूं, तुम माल लेकर मेरे पीछे आओ। ठीक है बॉस। काजल,
आज फिर खाली हाथ आया क्या? अपना तो मुकद्दर ही खराब है उस्ताद, आज फिर धंधा नहीं हुआ। और ये जो होटलों में अच्छे अच्छे खाने खाए जाते हैं, चाय पी जाते हैं, जरा आस्ता बोलो, ये दादा उस्ताद को पता चल गया वो खाया पिया उगला लेंगे। खामोश रहने के लिए हमें कुछ लगाया जाए। तुम मैं हौसला दे सकता, तसल्ली दे सकना, मैं तैयार फाका हूँ। फिट है मुंह तुम्हारा? राजू आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या कोई लंबा माल लेकर आए हो? वो लंबा माल तो मैं लाई हूँ बाबा। भाई शाबाश बेटी, आखिर तुम बेटी किसकी हो? बैठो। पूरे क्लो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अरे वही वाह राजू, आज तो तुमने भी कमाल कर दी है। इसका मतलब ये है कि हमारी बेटी रानी आज तुमसे भी ज्यादा पैसे लाई है। मेरा इसका क्या मुकाबला बाबा, ये तो अपनी जेब से भी डाल सकता है, बड़ा आदमी पर ठहरा। बेटे तू इसको हर वक्त बड़ा आदमी का ताना ना दिया कर, भाई हो सकता है शायद कल को ये बहुत बड़ा आदमी बन जाए, इतना बड़ा कि इसके इसकी हिफाजत के लिए आगे पीछे बॉडी गार्ड। मैं बॉडी गार्ड की ड्यूटी देता हूँ, तेरी तरह नाजायज पैदा नहीं करता, तुम्हें जरूरत कैसे हुई बगैर सलाम के मुझ से बात करने की? इस मुंह पे मेरा सलाम पहुँच ही नहीं सकता, और मैं तुझे सलाम करूँ? तू मुझे सलाम करता है जब तुझे चाय की जरूरत होती। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा था, क्या कर रहे थे? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, छोटे सरकार के लिए नाश्ता तैयार करवाऊँ या ना करवाऊँ? उसका नाश्ता तैयार करवाना ना करवाना ये मेरा काम है। Who are you? किसे? क्या है ये? सॉरी मैडम जी, इमरान साहब सो रहे हैं या जाग रहे हैं? इमरान साहब तो जब मैं उनके कमरे में गया था आज से एक घंटा पहले तो वो जाग रहे थे, लेकिन अब सो गए हूँ तो ये मुझे पता नहीं। तुम कमाल के बॉडीगार्ड हो, तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि साहब सो रहा है या जाग रहा है? ये जल रहा है तुम बहुत मारा। सॉरी जी, ओके मैं अभी देखता हूँ कि वो जाग रहे हैं या सो रहे। जाओ जाओ, मैं अभी आपको बता देता हूँ। दिमाग खराब है, और ये इमरान साहब अब तक सो रहे हैं? इस उम्र में आंख जरा देर से ही खुलती है बड़ी अम्मी, मैं तो खुद अभी सोकर रखता हूँ। अच्छा, तो खुद सोकर उठते हैं इसलिए अपने भतीजे की तरफ डाल। भतीजा तो अपनी जान से प्यारा है बड़ी अम्मी, अब यकीन कीजिए कि इमरान मुझे शहजा से ज्यादा अजीज है, कहने को सौतेला चचा जरूर। रोशन फिर अपने आप को सौतेला कहा। सॉरी हम नहीं बोलते। माफ कर दीजिए बड़ी अम्मी, देखिए ना मैं इंसान से कमतरी का शिकार हो गया था, एक तो लॉजिकल का आपसे अपना हिस्सा लेकर चला गया, फिर छोटे छुपे शादी कर ली, बस 14 साल इसी कश्मकश में रहा कि आपसे मिलूं या ना मिलूं। मगर तुम्हें आए हुए महीनों गुजर गए हैं, अब सब कुछ भूल जाओ। मेरे दिल में ये क्या हो रहा है? सॉरी मैडम, सॉरी मैं जरा जज्बाती प्रोग्राम में। जज्बाती का बच्चा, ये बताओ कि इमरान सो रहा है या जाग रहा है? इमरान तो मैंने तो वहाँ पे जाकर ढूंढा, सोफे के नीचे ढूंढा, बेड के नीचे ढूंढा, ऊपर ढूंढा, अलमारी में ढूंढा, कहीं नहीं था इमरान। इमरान तो वहाँ नहीं था। नहीं है? तो कहाँ चला गया? कहाँ चला गया चौधरी? अच्छा हो गया तुम्हें, तुम इस तरह ड्यूटी दोगे तो क्या अंजाम होगा इस बात का? जाओ ढूंढो उसे। हाँ ढूंढू मैं, मगर इमरान कहाँ होगा? कहाँ होगा इमरान? कहाँ होगा? मैं ही तो सोच ना कि किथे के मेरा मोचना जड़ी लै गई थी पैन स्लो। वो मुझे याद आया, मेरे ख्याल में इमरान मैथनी शो देखने की होगा, मैं जाके उस सिनेमा का बुआ खड़काता हूँ। अल्लाह कहाँ चला गया मेरा बच्चा? साहब जी आप यहाँ बैठे हैं, सारा घर आपको ढूंढता फिर रहा है। अबे बैठ जा, ढूंढने दे उन्हें, एक तो दादी माँ की पाबंदियों ने जिंदगी की खुशियों से महरूम कर दिया है, और एक वो है वो उल्लू का पट्टा बॉडीगार्ड, हर वक्त मेरे आगे पीछे लगा रहता है। आप एक ही दिन बॉडीगार्ड के बगैर घर से निकले थे, आपकी जेब कट गई? अबे इसी में तो मजा है लतीफे, क्या समझे? अबे ओ लुड्डन, तुमने कहीं यहाँ छोटे साहब को तो नहीं देखा? अबे नहीं देखा। नहीं देखा?
तुमने यहाँ कहीं छोटे साहब को लेटते उठते बैठते नौकरों के साथ चाय पीते हुए तो नहीं देखा? अबे नहीं देखा, नहीं देखा, चला जाए यहाँ से। अच्छा चलो, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? छोटे साहब जी, क्यों मेरी छोटी सी नौकरिया के पीछे पड़े हुए हो? अगर बेगम साहिबा को मालूम हो गया कि तुम यहाँ बगैर टेस्ट किए हुए नौकरों के साथ बैठकर चाय पी रहे हो तो क्या जलजला नहीं आ जाएगा? इमरान, इमरान, तुम फिर बॉडीगार्ड के बगैर कमरे से बाहर निकले? दादी माँ, मुझे ये कैद की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। आराम और आसाइश की जिंदगी को सलाखें कहते हो? तुम्हारा बाप भी यही कहता था, फिर अंजाम क्या हुआ? खुद तो कब्र में सो गया और हमें तड़पने के लिए छोड़ गया। तुम्हारा बाप हादसे का शिकार नहीं हुआ था, उसे कत्ल किया गया था, और अब हमें इतनी सकत नहीं है कि हम कोई और गम बर्दाश्त कर सके। तुम वही करोगे जो हम चाहेंगे, ये हमारा हुक्म है। जवानी बड़ी सरकश होती है बड़ी माँ। आपने इमरान के गिर्द उसकी भलाई की दीवारें तो खड़ी कर दी हैं, लेकिन अगर इन दीवारों के दरमियान उसके दिल बहलाने की कोई सबील ना हुई तो वो इन दीवारों को तोड़कर निकल जाएगा। हमने जो कुछ किया है तुम्हारे मशवरे से किया है, मगर दिल बहलाने से तुम्हारी क्या मुराद है? पांव की वो जंजीर जिसे शादी भी कहते हैं। शादी? नहीं, अभी तो उसने तालीम खत्म की है, कम से कम पहले वो कारोबार तो संभाल ले। कारोबार की आप क्यों फिक्र करती है बड़ी माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं जो मौजूद हूँ। लेकिन देखिए ना, वो जो मैंने अर्ज किया है ना, उस पर आप संजीदगी से तन्हाई में गौर कीजिएगा, फिर मुझे कोई जवाब दीजिएगा। छोटे साहब, ये बताइए कि आपका सोतेला चाचा अपनी सोतेली बेटी से आपकी शादी करना चाहता है, क्या आप अपने सोतेले चाचे की सोतेली बेटी से शादी करना पसंद करेंगे? अबे भोला, तू दादी माँ को नहीं जानता। क्या वो समझदार है? अबे नहीं, वो वक्त की रफ्तार को खूब पहचानती है। वक्त सिर्फ उनका साथ देता है जो जागते रहते हैं। वक्त सिर्फ जख्म देता है जो कभी नहीं भरते। लेकिन आपने तो सारे जख्म मिटा दिए थे बड़ी माँ, शहर छोड़ दिया था, रिश्ता तोड़ दिया था, यहाँ तक कि वो बंगला भी बेचकर आप विलायत चली गई थी जो पहचान की आखिरी निशानी था, और अब बरसों बाद नए शहर में आकर नए सिरे से जिंदगी की इब्तिदा करने के बाद भी आपको मिटे हुए जख्मों का एहसास है? जख्म मिट भी जाए मगर कसक नहीं जाती, उस जख्म को भरे हुए एक समाना गुजर गया। जब मेरा शौहर तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को लेकर हमारी जिंदगी में दाखिल हुआ था, हालांकि हम तुम्हें भी बहुत प्यार करते थे, मगर उस जख्म की कसक आज भी हमारे दिल में मौजूद है। हमारा बेटा कब्र में जाकर सो गया, उसकी बीवी पता नहीं जिंदा है या मर गई, मगर हम वो बात आज तक नहीं भूले कि हमारी पसंद की लड़की को ठुकरा कर वो एक खानाबदोश लड़की को ब्याह कर ले आया। मगर अब हम कोई जख्म कोई गम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हमारे दिल में इतनी ताकत नहीं है कि पहले जख्म को मिटाएं, फिर सिसकते रहें, तड़पते रहें। अब ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए बड़ी माँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका सिर्फ एक ही हल है। और तुम कहोगे इमरान की शादी, तो तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गए ना? मगर अभी मंजिल बहुत दूर है शैला, ये तो कामयाबी की तरह पहला कदम है, और दूसरा कदम वो होगा जब तुम इस घर में दुल्हन की तरह पहचानी जाओगी। मंजिल वो होगी कि जब सब कुछ मेरे हाथों में हो। नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, जब सब कुछ मेरे कब्जे में होगा मंजिल वो होगी। मंजिल तो वो होगी जब माल होगा अपने पास। क्या बिना पैसे के लोग जिंदा नहीं रहते? बस जिंदा ही रहते हैं। पैसा इंसान की पहचान नहीं है राजू। पैसा ही तो इंसान की शनाख्त है रानी, वरना आज की दुनिया में सिर्फ इंसान को कौन पूछता है।
बड़ा आदमी बनने की ख्वाहिश ने तो तुझे पागल बना दिया है राजू। मुझे डर है कहीं तू कोई गलत कदम ना उठा ले। बिना गलत कदम उठाए कभी अपन जैसा फक्कड़ बड़ा आदमी बना है? फिर वो दिन तेरे और मेरे मिलाप का आखिरी दिन होगा। तेरा बाबा कहता है कि मैं महलों में रहने के लिए पैदा हुआ हूं, जबकि तू कहती है कि मैं झोंपड़ी में रहूं। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। मैं ना तुझे महलों में जाने से रोकती हूँ और ना झोंपड़ी में रहने को कहती हूँ। मैं तो सिर्फ यह चाहती हूँ राजू कि तू जिस रास्ते पर भी पड़े वो सच्चाई का रास्ता हो। अरे तू तो ख्वाबों की बात करती है जबकि वक्त सोए हों का कभी साथ नहीं देता। खुदा के वास्ते मान जाइए छोटे साहब, भूख हड़ताल करके इस घर में लीडर बनने की कोशिश ना कीजिए। खुदा के वास्ते अब खाना खा लीजिए, आपकी वजह से पूरा घर भूखा बैठा है। देखिए लुटन और छुटन दोनों मारे भूखे, इनके मुंह फटे मुंह चुके हैं। लेकिन क्या दादी माँ ने भी खाना नहीं खाया? दादी माँ ने मदन सिंह से एक चरगा मंगवाया था, मगर उस चरगे में जरा कीड़ियां चमड़ गई थी। आप सोचिए, रियलाइज करें कि आप खाना ना खाएं तो क्या दादी माँ खाएंगी? ये तो उनकी सेहत के लिए बहुत मुझे है। तुम्हारे ना खाने भी हमारी सेहत के लिए बहुत मुजर है। हमारी जिंदगी तो तुमसे ही वाबस्ता है। दादी माँ, दादी माँ सबकी, हमारी खुशी को अपनी जिद मत बना। हम सिर्फ तुम्हारी शादी चाहते हैं। शादी तुम्हारी पसंद की होगी मगर होगी खानदान में। हमने तकरीब में खानदान की तमाम लड़कियों को बुलवाया है, पसंद तुम्हारी होगी। अब तो तुम्हें कोई इतराज नहीं ना दादी माँ? चल मेरा बच्चा, खाना खाए, भूखे मर गए। इतराज तो मुझे है। इतराज तो मुझे भी है कि बुढ़िया ने बात तो मेरी मान ली लेकिन हमेशा की तरह हुक्म अपने ही चलाया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्या करेंगे आप? मैं क्या नहीं कर सकता? जानती हूं, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। इसका जवाब तुम्हें पार्टी में मिलेगा। मलिक अब्दुल हमीद साहब हैं, दवाओं की बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, और ये इनकी बेटी रीना है। हाय हाय। और मैं भोला बॉडीगार्ड और सैंडो वॉचमैन हरल पोपो किटपक्षलो ब्लबलम। हाय ला, आप कितने अच्छे हैं। खुश आमद। नहीं, सिफारिश। सिफारिश? विदाउट केस सिफारिश नहीं होती। अगर अपनी बेटी की शादी करवानी है तो मुझे कुछ लगाओ। आप हैं कपड़े के ताजर अमानुल्ला जापान वाला, और ये इनकी दोनों बेटियां हैं शबाना और शगुफ्ता। फौरन में तालीम पाई है जिसको, और ब्रेक डांस ऐसा करती हैं, क्या कहूँ? कुछ तो कहिए। मैं कुछ कहूँ? अगर फर्ज कर लो इमरान नहीं मानता तो मुझे कैश कर लो, बैरर चेक हूँ। आप हैं शेख फखरुद्दीन, शुगर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर, और उनकी बेटी नौरीन। बेबी ने इसी साल एमए किया है। साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, एमए किया है और अभी तक बेबी है। बुढ़िया पोते को हर लड़की की हिस्ट्री समझा रही है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मत घबराओ मत घबराओ, होगा वही जो मैं चाहूंगा। हूं और इनसे तो तुम वाकिफ ही हो। अजी हाँ, खाकसार को खान रोशन कहते हैं, और ये है शैला मेरी बेटी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारा भी तारुफ कराती? क्यों, क्या मैं मेहमानों में शामिल नहीं हूँ? मेहमानों में भी और मेजबानों में भी, और ये मालूम करना भी तुम्हारा काम है कि इमरान क्या फैसला करता है। आ बोलो भतीजे, कैसे करोगे फैसला? चांद एक सितारे सात।
एक लड़का लड़कियां साथ, एक लड़का लड़कियां साथ, मांगते हैं सब मेरा हाथ यारो। बड़ी मुश्किल में हूँ किस किस से प्यार करूं। एक लड़का लड़कियां साथ, मांगते हैं सब मेरा हाथ यारो। बड़ी मुश्किल में हूँ किस किस से प्यार करूं। एक लड़का लड़कियां साथ। मुझ पे जमी है सबकी निगाहें, है तेज धड़कन हर दिल की। होना है क्या अब मेरे साथ, मांगती है सब मेरा हाथ यारो। बड़ी मुश्किल में हूँ किस किस से प्यार करूं। एक लड़का हाय हाय लड़कियां साथ। इंसान की कोई कीमत नहीं, दुनिया को मैंने परखा तो जाना, इंसान की कोई कीमत नहीं। दौलत से ये रिश्ते हैं सारे कुछ भी नहीं, जो दौलत नहीं झूठ नहीं, सच है ये बात। मांग दी है सब मेरा हाथ यारो। बड़ी मुश्किल में हूँ किस किस से प्यार करूं। एक लड़का लड़कियां साथ, मांगती है सब मेरा हाथ यारो। बड़ी मुश्किल में हूँ किस किस से प्यार करूं। शक गलत नहीं था, हमने इसीलिए तुम्हारे इर्द गिर्द पहरे लगाए हुए थे। अगर आज रोशन अपनी जान पर खेलकर तुम्हें ना बचाता तो हम आज जीते जी फिर मर गए होते। अजीब मरे आपके दुश्मन। बड़ी माँ, मैंने अपने भतीजे को बचाकर किसी पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि मैंने तो अपने घर में फैलने वाले अंधेरे को रोका है। लेकिन बड़ी माँ, मैं ये कहे बिना नहीं रह सकता कि यह काम खानदान ही के किसी फर्द का है। हम लानत भेजते हैं खानदान पर, आज से हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं। अजी आजकल ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं? क्यों जी? Shut up! ये सब तुम्हारी गफलत का नतीजा है। अब तुमने कोई गलती की तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। अब तुम एक लम्हे के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलोगे। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरा कोई दुश्मन क्यों हो सकता है। तुम्हारी दौलत, तुम्हारी शोहरत, तुम्हारा बड़ापन। तो फिर आजाद कर दीजिए मुझे इन बंदिशों से। मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये दौलत, ये शोहरत, ये बड़ापन किस काम का जो इंसान से उसकी आजादी छीन ले। ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारी माँ का वो खून बोल रहा है जिसे हमारा बेटा झोंपड़ी से उठाकर महल में ले आया था। दादी माँ, खुदा के लिए
मेरी मरी हुई मां को कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए। क्या सोच रहे हो डैडी? खबरदार, जो मुझे टेरी कहा वो ड्रामा खत्म हो चुका। मान लो तुम हार गए। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं हमेशा दो रास्तों से अपने शिकार की तरफ बढ़ता हूं और अभी दूसरा रास्ता मेरे सामने मौजूद है। मगर तुम्हारे पास किस चीज की कमी है जो उस बुढ़िया के पीछे पड़ गया हो? उस बुढ़िया के पास इतनी दौलत है कि तुम सोच भी नहीं सकती, और उस दौलत में मेरा भी हिस्सा है। मगर तुम तो 14 बरस पहले अपना हिस्सा ले गए थे, और 14 बरस बाद जो स्कीम बनाकर आए हो वो तुम्हारे सतेले भतीजे ने। भतीजे को तुम जो अपना ना बना सके। जब डैडी का कोई नहीं बन सका तो बेटी का किस तरह बनता? शैला, इसका मतलब है कि तुम हार चुके। मैं कभी नहीं हार सकता, इसलिए कि जो रास्ता मुझे मंजिल की तरफ न ले जा सके मैं उसे हमेशा के लिए बंद कर देता हूं। सुनो, ये जो मजेदार कॉफी तुम अभी पीकर आ रही हो ना, इसमें जहर था। जहर? हाँ, जहर। जलील कमीने कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिंदा तो अब तू नहीं रहेगी। तलाश तो मैंने भी आपको बहुत किया बेगम साहिबा, लेकिन आप मुल्क से बाहर थी। मगर हमें तो वापस आए हुए, अब काफी अरसा हो गया। लेकिन मैं तो वहीं जाता रहा हूं जहां आप बाहर जाने से पहले रहती थी। अगर इस कोठी का पता मालूम होता तो मैं यहां बहुत पहले आ जाता। मगर अब भी कोई ज्यादा देर नहीं हुई। विलायत से वापसी पर हमें उस नौकरानी से एक बात मालूम हुई जो हमारे बहू बेटे के पास काम करती थी। वो क्या बेगम साहिबा? जब तुम हमारी बहू से हमारा पोता छीन कर लाए तो हमने सुना है उस वक्त वो उम्मीद से थी। जी बेगम साहब जी, बच्ची पैदा हुई थी। बच्ची कहाँ है? वो बेचारी चल बसी। बिना मां के दूध पीते बच्चे कम ही जिंदा रहते हैं। आपको दुख हुआ? दुख क्यों नहीं होगा। आप ठीक कहती हैं बेगम साहिबा, खून में बड़ी कशिश होती है, इसलिए मैं भी खोटा माल बदलने आया हूं। खोटा माल बदलने आए हो? लेकिन हमने तो तुमसे कभी कुछ नहीं खरीदा। मगर मैंने बेचा था। याद कीजिए बेगम साहिबा उस दिन। तुम्हें याद होगा एक बार हमने तुम्हें बुलवाया था जब तुम्हारी बस्ती की एक लड़की से हमारे बेटे ने शादी कर ली थी, और तुमने हमें यह कहकर खामोश कर दिया कि तुम हमारे बेटे से टक्कर नहीं ले सकते, और हमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मुझे मालूम है। और तुम्हें यह भी मालूम होगा कि हमारा बेटा एक हादसे का शिकार हो गया है, और हमारी बहू फिर बस्ती में वापस आ गई है। हमें उससे कोई गरज नहीं, हमें अपना पोता चाहिए, अपना खून। ये लो बयाना, और जब हमारा पोता हमारे तक पहुंचा दोगे हम तुम्हें बहुत कुछ देंगे। और इसी तरह दौलत के लालच में अंधा होकर मैंने अपना बेटा आपके हवाले कर दिया, और फिर जब आपकी बहू इस बस्ती में आई
तो मैं उससे आपका पोता छीन कर जब आपके पास आया तो आप मुल्क से बाहर जा चुकी थी। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानती। तुम झूठ कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो। हमारा पोता हमारे साथ है। ऐसा न कहिए बेगम साहिबा, वो आपका पोता नहीं, मेरा बेटा है। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम्हारा बेटा हमारे पास है और हमारा पोता तुम्हारे पास? मेरे आंसू, मेरे दिल की तड़प, मेरी सिसकती बिलकती शफकत। यकीन कीजिए बेगम साहिबा, मैंने रात दिन अंगारों पर गुजारे हैं। मैंने आपको ही धोखा नहीं दिया, अपने ऊपर भी जुल्म किया है। खुदा के लिए बेगम साहिब, खुदा के लिए मुझे मेरा बेटा लौटा दीजिए। नहीं नहीं, हमें यकीन नहीं आ रहा। आपको यकीन आना भी नहीं चाहिए, आपको एतबार होना भी नहीं चाहिए। मैं अगर बदनसीब ना होता तो मेरी मां मरती क्यों, मेरी बहन हमेशा के लिए जुदा क्यों होती, मेरा बाप लावारिस क्यों छोड़ जाता। मेरी किस्मत में ठोकरें लिखी हैं, खाता रहा हूं, खाता रहूंगा, लेकिन जब से पता चला है कि मेरी भी कोई दादी मां है तो मेरा दिल तड़प उठा देखने के लिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक पल भी यहां नहीं रुकूंगा। अपनी मनहूस सूरत लेकर दोबारा आपके सामने कभी नहीं आऊंगा। एक बार, सिर्फ एक बार अपना पोता कहकर मुझे अपने सीने से लगा लीजिए। तरस क्या हूं अपनों के प्यार को। बेटे, बेटे। दादी मां, मगर इसके बावजूद हम तुम्हें इमरान को ले जाने नहीं देंगे। हाँ, जब तुम्हारा दिल चाहे उसे यहां आकर मिल ले। इमरान, इमरान बेटे, भोला। बेगम साहबा, मेरा ख्याल है छोटे सरकार भोला के साथ बाहर चले गए, वो बड़ा ही बहुत भोला है। मगर वो तो हमारी इजाजत के बगैर कभी बाहर नहीं गया। इमरान, ये तुमने क्या किया? ये तुमने हमें किस जुर्म की सजा दी है? हमने तो सोचा था इस रात से कभी पर्दा नहीं उठाएंगे और तुम हमारे पोते की तरह हमारे पास रहोगे। कि तुमने फैसला करने में बहुत जल्दी की और ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बगैर हमारी क्या हालत होगी। तुम सब लोग खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ इमरान को तलाश करके लाओ, थाने में रिपोर्ट कराओ, रेडियो पर ऐलान कराओ, टीवी पर इनाम का इश्तहार दे दो, कुछ भी करो। इमरान को हमारे पास ले आओ, और इमरान को हमारे पास ले आओ। तुम कहां चला गया है रेडियो? अस्सलाम वालेकुम। तू किस लिए आ गया? किस लिए? मैं आपका एक वफादार न्योला हूं जो हर वक्त आपके कांधे पर बैठा रहूंगा। भोला, मेरा कुछ पता नहीं मैं कहां जाऊं। कहीं भी जाए, लेकिन सबसे पहले आपने मेरे साथ गांव जाना है। जब तक कोई फैसला नहीं होता, और आपका यहां बैठना भी ठीक नहीं है, इसलिए कि आपकी दादी माँ ने आपकी तलाश शुरू करवा दी होगी। हमारे तो समझ नहीं आता आखिर वो जा कहां सकता है, जबकि यहाँ उसका कोई वाकिफ ही नहीं है। बचपन से तो वो मुल्क से बाहर रहा है। सो छोटे साहब आ जाएंगे। बेगम साहब जी, वो आपके बगैर रह ही नहीं सकते। फिर हर तरफ तलाश भी तो जारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नगरे बच से बचाए। बेगम साहबा, ये सूट तो मैंने ट्राई भी नहीं किया है। जब मैं दूसरे सूट लेकर आऊंगा आप उसको देखकर बहुत खुश होंगे। तो फिर जाओ जितनी जल्दी हो सके, दूसरे लिबास भी आ जाना चाहिए। बहुत अच्छा भी लेकर। मार्शल छान दे फटाफट आना है, जाओ। दादी माँ, कुछ पता चला इमरान का? नहीं बेटे, काश तुम्हारे साथ इस वक्त वो भी यहाँ मौजूद होता तो हम किस कदर खुश होते। दादी माँ, आपकी खुशी मेरी जिंदगी है। मैं हर कीमत पर इमरान को तलाश करूंगा। दादी माँ, जा।
खामोश हो, तुम कुछ नहीं कहोगे। कल आ गए हम तुम्हारे शुभार्थ सुनते सुनते। तुम गलत सोच रहे हो। खून खून को पहचानता है, वो हमारा खून है। पहचाना? मैंने कहा था एक दिन जरूर आएगा कि मैं सूटेड बूटेड लंबी सी कार में शूं करके यहां एंटर होऊंगा और तुम मेरा मजाक उड़ाया करती थी। अब सब कुछ अपनी आंखों से देख ले। अरे पगली, ये स्कीम बरसों पहले तेरे बाबा ने बनाई थी। बस जरा वक्त का इंतजार था और वो वक्त भी दूर नहीं जब मैं तुझे सचमुच की रानी बनाकर यहां से ले जाऊंगा। बस जरा बुढ़िया को पूरी तरह काबू में आने दी। मगर तू है कौन बाबू? नाराज है? हाँ, बड़े दिनों के बाद जो आया हूं। अरे मैं क्या करता, वो जो ताकि जान है ना, एक लम्हे के लिए भी मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देती। जान छिड़कती है मुझ पर, बस यूं समझ ले चारों तरफ दौलत के फर्श बिछा दिए मेरे लिए। सुना है दौलत में बड़ी गर्मी होती है, तेरे पाँव नहीं चले दौलत के फर्श पर चलते हुए? मेरे पाँव तो नहीं जले, मगर मुझे दौलतमंद देखकर तू जरूर जल गई है। मैं क्यों जलूंगी? सुना है गरीब चलता है तो अपने आप को जलाता है, अमीर चलता है तो दूसरों को जलाता है। मैं क्यों जलूं? तो इसका मतलब है तुझे मेरा ये काम पसंद नहीं। तू चाहती है कि मैं हमेशा की तरह जेब काटता फिरूं? दिल काटने से जेब काटना कोई बुरा काम नहीं। अरे जियो अरे राजा भाई, बड़े थर्ड निकल आए हैं तेरे। अच्छा ये बता, उस्ताद के लिए कुछ लाया है या खाली हाथ ही आया है? ऐसा कभी हुआ है उस्ताद जी? अरे राजू, ऐसे पर्स तो तुमने मुझे बचपन से लेकर अब तक बहुत पेश किए। फिर जो तुम कहो उस्ताद जी। तुमसे कुछ कहा नहीं जाएगा और तुम उस हुक्म के पाबंद रहोगे। हमें यूं हैरत से मत देखो, हम अभी तुमसे अपना तारुफ करवाए देते। आज तक उस्ताद दारा जो कुछ तुम्हें समझाता रहा है तमाम उस्ताद दारा की थी, लेकिन स्कीम हमारी थी। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें उस स्कीम पर अमल करने का मौका मिल गया। अगर हमारी पहली स्कीम कामयाब हो जाती तो तुम सिर्फ राजू पॉकेटमार ही रहते। इस वक्त तुम जिसके सामने खड़े हो उसके नाम से जराइम की दुनिया कांपती है। बॉस? हाँ, और ये नाम तुम्हें उस ताज तारा ने बताया होगा। हमारे साथी हमें इसी नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा एक नाम और भी है जो यकीनन तुम्हें बुढ़िया ने बता दिया होगा, खान रोशन। हाँ, हम तुम्हारे सौतेले चचा भी हैं। लेकिन नौ सवाल जवाब, तुम्हारा काम सिर्फ सुनना और अमल करना है बस। और याद रखना, हमें बुढ़िया की तमाम दौलत चाहिए और ये दौलत सिर्फ उसी सूरत में मिल सकती है जब वो सब कुछ तुम्हारे नाम कर दे। और अगर वो इससे पहले मर गई तो उसकी तमाम दौलत सरकारी खजाने में चली जाएगी। और हां, ये ना भूलना कि जो हाथ असली पोते की जगह नकली पोता पहुंचा सकते हैं वो हाथ असली पोते को दोबारा ला भी सकते हैं। वो तो ठीक है बॉस, लेकिन इस वक्त इमरान को दादी माँ भी तलाश करवा रही है। और इमरान को तो हम भी तलाश कर रहे हैं भतीजे, लेकिन दादी माँ के हवाले करने के लिए नहीं, बल्कि मौत के हवाले करने के लिए। मुझे बचाओ।
मेरा ख्याल है आप थक गए हैं। नहीं भोला, मैं तो बिल्कुल नहीं थका। कमाल है, क्यों नहीं थके? अच्छा चलो, बहरहाल मेरा घर अब थोड़ी दूर है, यानी कि उस टीले के परली तरफ, यानी उस पहाड़ के नीचे की तरफ मेरा घर है। चल बचाओ बचाओ, बता दिए चीख हो। वास्ते मुझे जाने दो, मैं कहती हूँ मुझे वास्ते ही देना है तो अपनी भरी जवानी का दो, जाने मत। मैं कहती हूँ मुझे जाने दो। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर तरस खाओ, मुझे जाने दो। तरस क्यों भाई, ये किस जानवर का नाम ले रही है? ये तो कभी मैंने खाया ही नहीं। तुम कहां से आ गए हमसे रिश्ता जोड़ने वाले? तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने नहीं है, मगर तुम्हारी हड्डियां तोड़ने जरूर आया हूं। क्यों भाई, ये हाजमेदार मुक्का कैसे लगा? अभी तो शायद मेरा मुक्का भी। गए भूतनी के, इनसे मिलिए, ये मेरे अंकल हैं। क्या बकवास कर रहा है? हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता था कि तुम कौन हो? कशवाली। अबे ये पूछ, वो कौन थे? वो कौन थी? मैं नहीं जानती। ये नहीं जानती? मैं दरिया पर कपड़े धो रही थी। ये तो दरिया पर कपड़े धो रही थी। अच्छा फिर? उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। उनकी ये जुर्रत? मैं वहां से निकल पड़ी। अच्छा तुम वहां से निकल पड़ी? हाँ, चीखें भी बड़ी निकली थी। अच्छा तुम्हारा बाबा कौन है? जी वो इंसान है। नहीं, इंसान तो है, मेरा मतलब है कि उनका नाम? ताया बरकत। ताया बरकत, हराम खोरो कुत्तो कमीनो, एक आदमी ने तुम लोगों को रूई जैसे ढूंढ डाला और तुम लोग मूलत का चले आए। दबाओ जाओ मेरे नजरों के सामने, दबाओ जाओ। मगर बॉस को क्या जवाब दोगे? यही तो सोच रहा हूं, न जाने परदेसी का बच्चा कहां से टपक पड़ा। पहले ताया बरकत। ताया बरकत का नाम मत लो। इसलिए कि वो कशमाला का बाप है? हां, कशमाला मेरी जान है, मेरी जिगर है। कशमाला के बाप से बिगाड़ लिया तो मैं उसकी झील जैसे आंखों में डूबूंगा कैसे? मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तुमने मेरी बेटी की इज्जत बचाकर मुझे हमेशा के लिए खरीद लिया है साथी। ऐसा ना कहिए, मेरी जगह कोई और होता वो भी यही कुछ करता। मगर आप तो हमारे मेहमान हैं, अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई चोट लग जाती तो?
तो मैं हकीम चाचा से मरहम ले आती, यूं लगाओ यूं दरसाए। सच कह रही हूँ। पागल ना हो तो जाता के खाने के लिए कुछ लेके आ। अच्छा। नहीं ताया जी, एक मिनट ताया जी, पहले ही बहुत देर हो गई है, फिर कभी सही। मासी को हमारे यहाँ आने का पता चल गया तो यहीं पर आ जाएगी, फायदा क्या है। क्या तुम्हारी मर्जी है साची, मुझे खिदमत का एक मौका जरूर देना है, आओगे ना। जरूर हम जरूर आएंगे, और इस बकरी को साथ लेके जाएंगे। अकल को चपेड़ मारो, क्या कह रही हो तू, पुत्र पुत्र लगा रखी, ये तो सांप जी है। अरे सांप जी होगा तेरा, मेरा तो पुत्र है पुत्र, जिसकी धूम सारी बस्ती में मची हुई है। मालूम है जो बस्ती की इज्जत बचाता है वो बस्ती का सरताज हो जाता है। लतीले जल्दी नींद आएगी तो सारी थकन दूर हो जाएगी। अरे जी मानता नहीं भाई। क्या बात है साहब जी, मुस्करा रहे हैं, ये चक्कर क्या है। सोच रहा हूँ जिंदगी तो यही है, सीधी सादी और सच्ची, दिल की बात चेहरे पर नजर आ जाती है। बड़े ही प्यारे लोग, ठीक है प्यारे लोग तो फिर ठीक है, यही तंबू लगा लेते हैं, तो अपन हाजिर है। अगर मुकद्दर में जिंदगी यही गुजारना है तो जिंदगी यही गुजर जाएगी। कल मुका आती ना तुम, माफ करो। मैं तुमसे नहीं बोलती। ये तुम्हारा बच्चा है साहब जी? ये ओ, मेरा मतलब है ये छनछन है, पल भर को मुझसे दूर नहीं होती थी, आज पता नहीं किस तरह मुझे छोड़कर तुम्हारे पास चली गई। ये तो कह रही थी तुमने इसे भेजा है। हाय मैं मर गई, इतना झूठ। अच्छा तो फिर ये झूठ ही बोल रही होगी, मैं चलता हूँ। तो समझ लो मैंने ही इसे भेजा था। क्यों? कल जो कुछ हुआ मैं उसके लिए दो बोल भी तो नहीं बोल सकी। तो इसमें आंसू बहाने की कौन सी बात है? ये तो खुशी के आंसू हैं साहब जी, वरना सारी उम्र रोना पड़ता। फूल और औरत एक बार मुरझा जाए तो फिर कभी नहीं खिलता। तू तो बड़ी समझदारी की बातें करती है। मैं तो बस इतना जानती हूँ सारी उम्र तुम्हारे कदमों की खाक बनी रहूं। कश्माला साहब जी, मेरा दिल
बरादरी भी है और अल्लाह रखे बस्ती का ठेकेदार भी है। ये तेरा आना घर है, लेकिन यहाँ कभी किसी दूसरी नियत से ना आना। मैं तुम्हें पहले भी कई बार मना कर चुका हूँ। अरे ताया, तू घर से धक्के देके भी निकालेगा ना तो हम आना जाना नहीं छोड़ेगा। अपने आगे पीछे और बीच में भी कोई नहीं, ये बड़ा मना है और मानता रहूंगा। ये तो तेरी सादत मंदी है खानूम, यही साबित करने के लिए तो यहाँ आया हूँ। बस्ती में इतना बड़ा हादसा हो गया है कि जिसे देखो कुछ ना कुछ कही जा रहा है, लेकिन जितने मुंह उतनी ही बातें। मैंने उन सबको बोला, उन सबको बोला के तुम्हारी माँ तुम्हारी ताया, अगर बस्ती का कोई नौजवान रिश्ते के लिए तैयार नहीं तो मैं तैयार हूं। देख 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 खानू, तू फिर पंडित उतरा। अब अगर तुमने कोई बात कही ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या? मैं तो तेरे भले की बात कर रहा था। बस बस, अब तू जा, मैं भी अंदर से सूत ले आऊं। ये लड़की पता नहीं मेरी चीजें कहां से कहां रख देती। तू यहां क्या कर रहा है? गाना सुन रहा था। तेनू तकिया भड़क गई अखनी, तेरे कदमा च दिल दिता रखनी। दिन दिन असल में मैं तेरी राह देख रहा था। क्यों? मुझे पता है कि तू अंदर से मुझे कितना चाहती है। अंगूठे में नगीने की तरह रखूंगा। सारी बस्ती में तुझ जैसे नसीबों वाली कोई नहीं। बस तू निकी जय हाँ कहते, बाकी वो बुढ़ा खुसट है ना, मेरा मतलब है तेरा बाप, वो खुद ब खुद मान जाएगा। और फिर मुझे देख, एक कितना खूबसूरत हूं मैं। 6 फुट 1 इंच का है मेरा। किस चीज की कमी है मुझमें? गैरत की। मैंने तुम्हें इतनी बार जलील किया, इतनी बार धुतकारा, अगर तुम्हें जरा सी भी गैरत होती तो तुम मुझे देख कर नफरत से मुंह फेर लेते। फिक्र न कर मगरूर लड़की, मैं बहुत जल्द ऐसा वक्त ले आऊंगा कि हर कोई तुझे देख कर नफरत से मुंह फेरेगा। बस शराफत खत्म। तो नहीं हो गई? आप आने जा रही हो? बाबा कानू पर हंस रही थी। हाँ यहाँ आया था, समझता है जैसे मैं उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। साले तरिंदा। हमने कहा था ना, तुम हमारे बगैर नहीं रह सकते। जब भी हमारी याद आएगी दौड़े चले जाओगे। चले क्या? वो अपनी माँ के साथ चली गई भाई अम्मी। दरअसल उसकी माँ को तलाक मैंने इसीलिए दी थी कि वो शैला की शादी अपने खानदान में करना चाहती थी। अब तो शैला की शादी हो भी चुकी होगी। शादी तो नसीबों का लिखा है, मगर हमें उसकी शादी में शरीक न होने का हमेशा अफसोस था। वो हमारा खून तो नहीं थी, मगर हमारे शहर का खून तो थी। बैठो राजू बेटे, ये तुम्हारे चाचा खान रोशन है। बस तुम्हें हैरत नहीं? इसलिए कि चचा बाप का दूसरा रूप होता है। देखा भाई, अभी खून यूं बोलता है। इमरान ने तो कभी झूठे मुंह भी ऐसी बात नहीं कही, मगर इमरान के बगैर हमें तो एक पल भी खराब नहीं रहा। सोते जाते उसी का ख्याल सता है। ओहो दादी अम्मा, आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि मेरे सामने ऐसी बात ना किया करें। अच्छा अच्छा बेटे, खाना तो खा, वरना हम तो इस गम में मर जाएंगे कि दादी के प्यार में पोते भी खाने के लिए छोड़ दिया। खाओ बेटे। मादाम सलविया का टेलीफोन आया था, वो कह रही थी साहब जी कल भी नहीं आए। क्यों नहीं गए? आ जाऊंगा दादी अम्मा, कह देना आ जाऊंगा।
बड़े भैया ये आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन वहाँ हर शाम गेट टुगेदर रहता है, जिसे भी कोई पार्टी देनी होती है वो मादाम सिल्विया ही के घर का इंतजाम करता है। ये मादाम सिल्विया भी बहुत खूबसूरत है, दूसरों की खुशी में खुश तुम इतनी जल्दी सब कुछ सीख जाएगा, हम कभी सोचा भी नहीं था। एक्चुअली हम सोचने का मौका भी तो नहीं देते ना मैडम। जंजन जलीला नो नो। बाय द वे, आज यहाँ पार्टी है, हंगामा है, क्या है? अभी हम चमको साहब से मिलाएंगे, मगर वो मिलना फैशन होगा, एटिकेट होगा, छूट होगा। हम छूट बोल रहा होगा, वो भी छूट बोल रहा होगा, सब छूट बोल रहा होगा, और हाँ सब खुश हो रहा होगा। सच ये है, वो जो बैठा है ना अपने महकमे में बहुत बड़ा ऑफिसर है, और वो जो बराबर में बैठा है ना वो दोनों मियां बीवी हैं। मैडम ये मियां बीवी क्या करते हैं? मियां ठेकेदार है, और महकमे में जब कोई बड़ा ऑफिसर आता है तो ठेकेदार ऑफिसर को पार्टी देता है, घुल मिलकर बातें करता है, सैरो तफरी पे जाता है, और फिर उसके बाद उसको ठेका मिलने लगता है। ओ यस, दौलत हासिल करने की खातिर इज्जत को दांव पर लगाना ही पड़ता है। वो जो मेज पर यंगमैन बैठा है ना, और बराबर उसके खूबसूरत चोकरी बैठा है, वो उसका सिस्टर है। और सामने जो क्लेवर सा आदमी बैठा है ना, वो ऐसा नौकरी दिलाने का चाबी है जहाँ रिश्वत का ताला लगा होता है। ऐसी चाबी के लिए घाटे का सौदा नहीं, पैसा है तो सब कुछ है। बिल्कुल ठीक बोला तुमने, आज का इंसान कितना गिर गया है, बड़ा आदमी बनने के वास्ते अपना सब कुछ लुटा देता है। और ये है वो पैसा जिसे तुम हासिल करने के लिए आए हो। Shut up. बेटी तुम्हारे जाए बगैर मेरा काम नहीं होगा। नहीं डैडी, मैं नहीं जाऊंगी। क्या बात है भाई, आप बाबी आपस में क्यों लड़ रहे हैं? दरअसल बात ये है कि डैडी को 25,000 रुपए की सख्त जरूरत है, और रुपया कराची में है। अब ये कह रहे हैं कि मैं आपकी फ्लैट से कराची। बेटी तुम ना गई तो मेरा एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। आप घबराइए नहीं, हम आपके एग्रीमेंट कैंसिल नहीं होने देंगे, आप रुपया हमसे ले लें। ये ठीक है डैडी, आप जाए मैं आ जाऊं। बिल्कुल ठीक बोला तुमने, आज का इंसान कितना गिर गया है, बड़ा आदमी बनने के वास्ते अपना सब कुछ लुटा देता है। वो उसका सिस्टर है, और सामने जो क्लेवर सा आदमी बैठा है ना, वो ऐसा नौकरी दिलाने का चाबी है जहाँ रिश्वत का ताला लगा होता है। मियां ठेकेदार है, और महकमे में जब कोई बड़ा ऑफिसर आता है तो ठेकेदार का बीवी ऑफिसर को पार्टी देता है, घुल मिलकर बातें करता है, सैरो तफरी पे जाता है। ये है वो पैसा जिसे तुम हासिल करने के लिए आए हो, ये है वो पैसा जिसे तुम हासिल करने के लिए आए हो, ये है वो पैसा जिसे तुम हासिल करने के लिए आए हो, ये है वो पैसा जिसे तुम हासिल करने के लिए आए हो, ये है वो पैसा जिसे तुम हासिल करने के लिए आए हो, ये है वो पैसा जिसे तुम हासिल करने के लिए आए हो, ये है वो पैसा जिसे तुम हासिल करने के लिए आए हो। Thank you.
तो आपको, आपकी दादी की हालत खतरे से बाहर है। मुझे होश आ गया है। हाँ, प्लीज ये सर की पट्टी उतार के उनके सामने जाइएगा। देखिए ना, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। जब उन्होंने आपके एक्सीडेंट की खबर सुनी तो उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा। समझ लीजिए, अल्लाह ने करम किया। शरीफा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो मैं गाड़ी में नहीं था, वो तो मेरा एक दोस्त मार्के ले गया था। उसका एक्सीडेंट हुआ और वो भी बच गया। आपको आपको किसी ने गलत इतला दी दादी माँ। तो ये हाँ हाँ, जब डॉक्टर ने मुझे बताया ना कि आप होश में आ गई हैं, तो मैं तेजी से लपका तो मैं दीवार से टकरा गया था। इतना प्यार करता है हमसे, अरे रो रहा है, पागल ना हो तो। बेटी बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है राजू। साहब जी क्या सोचने लगे? सोच रहा हूँ अगर तू जिंदगी में ना आती तो मैं मर जाता। हाय, मैं ना मर जाऊं? तूने मुझे जीने की आरजू दी है कश्माला। मेरी समझ में तुम्हारी कोई बात नहीं आती। तेरे लिए बस इतना ही काफी है कि मैं तुझे तेरे बाबा से मांग लूं। कब? शहजादी बनाकर रखूंगा। मैंने कई जगह नौकरी की दरखास्तें भेजी हैं। जैसे ही नौकरी मिली चची को तेरे बाबा के पास भेज दूंगा। पानी
कोई रंग होता नहीं है जैसे मेरी सजना है तुझसे मोहब्बत से पानी। इनकार बिल्कुल नहीं सुनूंगी, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। मासी, शादी एक नहीं चार करूंगा, मगर देखने के बगैर कुछ नहीं करूंगा। अरे तो जाके देख ले एक नजर। एक नजर देखने से कहीं वो मुझे काना ना समझ ले। अरे बातें ना बना, गोगी अच्छी है। गोगी? अरे गोगी नहीं, गोगी लड़की है, लड़की। अकेली औलाद होने की वजह से जंगल से लकड़ियां काट कर लाती है और माँ बाप का पेट पालती है। अब भी जंगल में होगी। अब भी जंगल में होगी है? जंगल में और अकेली लड़की? अरे तो फिर मुझे जंगल में जाना पड़ेगा। तुम वही लड़की हो ना जिससे मेरी शादी होनी है। क्या बकवास कर रहे हो, मैं तीन बच्चों की माँ हूँ। तीन बच्चों की माँ? कांजरिया पे नहा दो, बिंदिया भी चमका दो, की ना मेरे साजन का मेरी बिंदिया ते लिखवा दो ना चादर। हाय हाय गोगी, गोगी तुम चौधरी के रिश्तेदार हो। हाय हाय मैं हूँ, मैं बड़ा गौर से देखो मेरा मुंह, शुक्र है खुदा का मैंने 15 दिन के बाद किसी आदमी का मुंह तो देखा है, चाहे जैसा भी है। इतना बड़ा मुंह मेरा होता ना तो मैं किसी तरह मुंह कर जाती। तौबा तौबा तौबा। अच्छा तुम वो हो? हाँ मैं वो हूँ, तुम क्या करी? मेरे लाल दुपट्टा मलमल दा, मेरे लाल दुपट्टा मलमल दा। हो जी हो जी। तुम गोगी को जानती हो? मैं ही गोगी। तुम गोगी हो? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पारो मेरी माँ मर गई, पारो मेरी माँ मर गई। पारो साहब जी, साहब जी मेरे क्या हुआ? काका है साहब जी, बिना रखो गए। अगर हुआ क्या है? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ, मासी ने मेरी मौत का सामान बना लिया। प्लीज मुझे बचा लो, मेरी शादी रुकवा दो उससे। मगर उसे से कुत्ते शादी करने का बड़ा अरमान है। उससे शादी मेरी जिंदगी की कोबराम है, किसी तरह मेरी शादी रुकवा दो। आपकी बड़ी मेहरबानी, वरना मेरी लाइफ तबाह हो जाएगी। साहब जी टोपी वाले चतराली साहब जी, आप अपनी शादी भूल गए? किस तरह दादी अम्मा से बगावत की थी। बैड मूड दादी माँ याद आ गई। दादी ऐसे मौकों पर तो नानी माँ याद आ जाती है, ये तो फिर भी दादी माँ है। मौत का कोई वक्त नहीं होता, बुढ़ापा मौत की ऐसी आहट है जो हर वक्त कानों में गूंजती रहती है। बस यकीन हो जाता है कि जाने के लिए दरवाजा खुलने ही वाला। ओहो दादी माँ, आपसे कितनी मर्तबा कहा है, ऐसी बातें ना किया कीजिए। सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ते, बल्कि उसका सामना किया करते हैं। इसीलिए तो हमने फैसला कर लिया कि अपनी जिंदगी में ही तुम्हें सब कुछ दे देंगे। ओहो दादी माँ, ओहो बात तो पूरी सुन लो। हाँ चंद रोज में हम मादाम सिल्विया के यहाँ एक दावत कर रही है जिसमें शहर के तकरीबन तमाम बड़े लोग मौजूद होंगे, और उनकी मौजूदगी में ही हम अपना सब कुछ तुम्हारे नाम लिख देंगे। वकील साहब को हमने कागजात तैयार करने के लिए कह दिया। माफ कीजिएगा बड़ी अम्मी, आप कुछ उजलत से काम नहीं ले रही? नहीं, हम तो समझते हैं बहुत देर हो गई, ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम देख रहे हैं कि कई दिनों से राजू बहुत उदास उदास लगता है, हम इसे इतनी खुशियां देना चाहते हैं कि ये अपना माजी बिल्कुल
बिल्कुल भूल जाए। खाली हाथ आ जाती है, क्या हो गया है तुझे? कुछ नहीं बाबा, आजकल बाजार बहुत मंदा है। बाजार क्या, सिर्फ तेरे लिए ही मंदा है, और लोग भी तो कमा कर लाते हैं। क्या मैं भी सब लोगों में से हूँ? हाँ, हम सब एक हैं। मैं तेरी खातर डेरे के उसूल नहीं तोड़ सकता। खाली हाथ आने वाला खाली पेट सोता है। तूने मुझे पागल कर दिया राजू, तेरी सोच ने मुझे कहीं का नहीं रहने दिया। अगर मुझसे दूर ही जाना था तो मैंने इतना कहीं क्यों आया था? क्यों अपनी झूठी मोहब्बत के ख्वाब दिखाए थे मुझे? क्यों प्यार तक ढोंगना चाहा था मेरे साथ? बड़ा कहता था तेरी शक्ल देखे बगैर चैन नहीं आता, चैन तो तूने मेरा छीन लिया है। तना तो मैं रह गई हूँ, मैं तना रह गई हूँ। रही जा बिल, प्यार करने वालों का यही असर होता है। काजल, मैं राजू के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मैं उसे हासिल करने के लिए मर सकती हूँ। जान देने वाले तो मर जाते हैं और जान लेने वाले जिंदा रहते हैं। ना तुम जान दो और ना तुम जान लो। क्या मतलब? मतलब ये, मैं मदान से मिलकर ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि तू भी क्या याद रखे। ओ, बिना साथी खेल रही हो? कुछ खेल ऐसा होता है जो साथी के बगैर खेला जाता है, मगर कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जो साथी बिना नहीं खेले जाते। तो तुम हमारा साथ मिलकर कोई चक्कर चलाना चाहता है? मगर देखो मैं, हम कोई गलत काम नहीं करता। गलत काम का जब वक्त आएगा देखा जाएगा। तुम चाहता क्या? दौलत और मोहब्बत की पुरानी कहानी। खुलकर बात करो मैन, हम समझा ना। ये राजा और ये रानी। वेलकम वेलकम लेडी खानदान। आपकी नाराजगी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जब खान शाकिर को हादसा पेश आया तो मैं मुल्क से बाहर था। मुझे आए हुए मुश्किल से 8 दिन हुए होंगे, वरना ये कैसे मुमकिन था कि मैं अपने अजीज तरीन दोस्त की मर्द पर ना आ सकूं? मिलने क्यों नहीं आए? आने ही वाला था कि मैडम सिल्विया का दावतनामा मौसूल हो गया, सोचा यही मुलाकात हो जाएगी। खान शाकिर के बेटे से मिला। आदाब, जीत रहो। कभी अपने खान शाकिर के छोटे भाई से मिले हो? छोटा भाई? भाई हमारे मियाँ की दूसरी बीवी का बेटा भी तो हमारा बेटा हुआ ना, खान रोशन। वो किसी काम से बाहर चले गए हैं। कमाल है, ये भी खूब है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अभी लेडी खानदाउस अपने पोते को अपना सब कुछ सौंप कर उसको अपना जानशीन बनाएगा। कल का राजू आने वाले कल का सेठ बन जाएगा। मगर आदमी ना गुजरे कल का होता है ना आने वाले कल का, आदमी वो होता है जो आज है। कहते हैं जहाँ प्यार होता है वहाँ पैसा नहीं होता, और जहाँ पैसा होता है वहाँ प्यार नहीं होता। क्या होता है क्या नहीं होता, गॉड नॉट बेटर। इस खुशी के मौके पर प्यार और पैसा, पैसा और प्यार, लेडी टॉड और मिस्टर शहद के नाम। Thank you.
तुझको मुबारक ये खुशियाँ, मैं दर्द सह कर भी जी लूंगी। तुझको मुबारक ये खुशियाँ, मैं दर्द सह कर भी जी लूंगी। होठों पे आज शिकवा, होठों का दामन मैं सी लूंगी। झूठे परवाने हैं, मतलब आ जाओ भतीजे। वापस क्यों आ गए? मैं हमेशा के लिए वापस आ गया हूं खान रोशन, इसलिए कि मैं किसी के प्यार को धोखा देना नहीं चाहता। धोखा तो तुम अपने आप को दे रहे हो भतीजे, इसलिए कि तुम नहीं जानते कि आरके का कहना न मानने वालों का क्या अंजाम होता है। तुम तो अंजाम तक पहुंच गए, अभी तो आगाज हुआ है। देखो भतीजे, जज्बात पागलपन का दूसरा नाम है। होश में आओ, वापस जाओ और सब कुछ लेकर मेरे हवाले कर दो, फिर तुम आजाद होगे। फिर तो मैं जिंदगी से आजाद हो जाऊंगा के यार, और मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए जो मुझे हमेशा की नींद सुला दे। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो भतीजे। वो तो मैं पहले दिन से तुम्हें समझ रहा हूं। राजू, खुदा हाफिज। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरा तुम्हारा साथ खत्म हो चुका है खान रोशन। यह तुम्हारी भूल है भतीजे। ले आओ इसे। वो उन्हें लूटना चाहते थे कि अचानक पुलिस का दस्ता उधर से गुजरा और गुंडे जख्मी रियाज को छोड़कर भाग गए। वो तो मैं वक्त पर पहुंच गया,
अब कैसी हालत है राजू की? होश आ गया है उसे। डॉक्टरों ने कहा है खतरे की कोई बात नहीं, आप चलकर देख लीजिए। ऐसी हालत में हम उसे नहीं देख सकेंगे। तो फिर आप आराम कीजिए, मैं मौजूद हूँ। डॉक्टरों को अंदर न जाने देना। जी नहीं, डॉक्टर तो चले गए हैं, लेकिन ताकीद कर गए हैं कि मरीज को डिस्टर्ब ना किया जाए। अच्छा अच्छा, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो लमियान। अब तक तो तुम कभी के मर चुके होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूं। याद रखो, अगर अब तुमने जबान खोली तो रानी की जबान हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी और उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम पर होगी, समझे? तुझे अगर राजू की जिंदगी चाहिए जैसे मैं कहता हूं वैसे करो। तू क्या बाप है जो पैसे की खातिर अपनी बेटी को भट्टी में झोंक रहे हो? कैसा बाप और कैसी बेटी? तू उस वक्त बहुत छोटी थी जब मैं तुम्हें उठा लाया था, फिर तुमने मुझे बाबा कहना शुरू कर दिया और मैं तुम्हारा बाबा बन गया। तुझे और राजू को ध्यान से इसलिए पाला गया था कि दादी का वो पोता अगर बॉस की बताई हुई बेटी से शादी कर लेता तो तुझे दादी के हाँ पोती बनाकर भेज दिया जाता। अगर उसने शादी नहीं की इसलिए आज तेरी जरूरत पड़ गई है। खुदा के लिए मुझे मेरे माँ बाप का पता बता दो। पता मुझे याद नहीं है, इसलिए कि जिंदगी में इतने बच्चे उठाए हैं कि सब कुछ भूल गया हूँ। तुम अपनी मौत को भी भूल गए हो साहब। काजल तुम हो? हाँ, खोल दे से, ये तो छुड़ी सीने के पार कर दूंगा। काजल, इससे मेरे माँ बाप का पता पूछ लो। ये बताएगा, सब कुछ बताएगा, तोते की तरह भर भर के बताएगा, नहीं तो चूड़ी खाएगा। दलील, कमीने, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। सारा, इसे किसी कैंप में भेज दे, वहीं पत्थर कूट कूट कर मर जाएगा। ठीक है। रानी, देख लिया जबान खोलने का अंजाम? ये गोली इसके सीने के पार भी हो सकती थी, और अगर तू तारा के बताए हुए रास्ते पर न चली तो गोली राजू के सीने के पार जरूर हो जाएगी। नहीं, नहीं, मुझे राजू की जिंदगी चाहिए, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। ये बताओ कि रानी को राजू के साथ रखना बेहतर होगा? तुम नहीं समझते तारा, मैं राजू को पौख ला देना चाहता हूं। मैं उससे सोचने और समझने की सलाहियत छीन लेना चाहता हूं। रियाज के दम से हमारी जिंदगी है रोशन, अगर इसे कुछ हो गया तो तुम्हें हमें भी कांधा देना पड़ेगा। ऐसा ना कहिए बड़ी मां, हमारी आरजू और उम्मीदें भी तो रियाज ही से वाबस्ता हैं। बेगम साहबा, इन्हें डॉक्टर साहब ने भेजा है। डॉक्टर साहब ने? जी, डॉक्टर साहब ने कहा था यहाँ कोई मरीज है, मैं ये सोच कर आ गई शायद आपको मेरी देखभाल की जरूरत हो। तुमने बहुत अच्छा किया जो आ गई, तुम्हें यहाँ घर जैसा आराम मिलेगा। मिचन जी, इन्हें डॉक्टर साहब की दवाओं के मुताबिक बता दो। ठीक, आप बेफिक्र हो जाए बेगम साहबा। रानी? मैं रानी नहीं हूँ, मेरा नाम नस्बत है, मैं किसी रानी को नहीं जानती। तुम झूठ बोलती हो, तुम रानी हो। रानी नहीं भतीजे, नहीं, ये वाकई रानी नहीं है बल्कि रानी की हम शक्ल है। इसे तुम्हारे करीब इसलिए रखा गया है ताकि तुम रानी को पूछ जाओ और तुम्हें हर वक्त ये एहसास रहे कि रानी की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। अंडरस्टैंड? तारा, मैं डुअर पर जा रहा हूं।
जल्द आने की कोशिश करूंगा। ठीक, तुम पल पल होशियार रहना और मुझसे रब्ता कायम रखना। ठीक। वैसे कैंप नंबर 8 जो है ना, वो मेरा मरकज रहेगा। ओके ओके, गुड लक। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक है सर। काम ठीक ठाक हो रहा है? सलाम साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जवान? आपके साये में जी रहे हैं। तुम्हें मीटिंग की इत्तला है ना? जी जनाब, सारे कैंप कमांडरों को मालूम है कि कैंप नंबर 8 में आज रात मीटिंग है। गुड, वेरी गुड। उधर क्या हो रहा है? चमकण वाल मेरे बन रे दे, लाओ नीलाओ इनू शगना दी मेहंदी, मेहंदी करे हथ लाल मेरे बन रे दे। क्या है? अरे कदम, ये किसकी बर्बादी के गुनगावत है? ना खाना खराब, कभी तो मुंह से अच्छी बात निकाला कर। तू भी तो अच्छा गुनगुनाया कर। ये तो मैं अपने सोने साहब जी के लिए गाना गा रही हूँ। सुना है बस्ती वाले क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं वो? मैला की दो बार साहब जी ने इज्जत बचाई है। दो बार इज्जत बचाई है तो तीसरी बार? अरे चुप, बस चुप, मैं तो बोलते ही। बस एक दफा साहब जी हाँ कह दे तो मैं आज ही जाके रिश्ता मांग लूंगी। कितों? बस तू हाँ ही समझ मानती, मगर मेरी तरफ से ना ही समझ मानती। तू चाहे हाँ कह या ना कह, मगर तेरी बात नहीं बने। तो ना बने, बात बनाए ना बने। बस बेटा तू तैयार हो जा, आज ही तेरा बड़ा कर्म हुआ जो तूने मेरी बच्ची को बचा लिया, वरना मैं तो जीते जी ही मर जाता। बाबा ये तो किसे बातें कर रहा है? अपने आप से। क्यों, क्या मैं घर में नहीं? एक दिन ऐसा भी आएगा जब तू इस घर में नहीं होगी, समझ ले आदत डाल रहा हूं। अरे पगली, बिछड़ना तो बाप और बेटे की किस्मत में होता है। एक दिन आएगा जब इस घर में शहनाइयां बजेंगी, तेरा दुल्हा आएगा और मैं तुझे अपने हाथों से दुल्हन बना के रुखसत करूंगा। अच्छा, मैं तुझसे नहीं बोलती। पर तू जा कहां रही है? मैं कुर्ता लेने जा रही हूँ बाबा, भाई जैनब ने सी दिया होगा। अगली, कितना ख्याल रखती है मेरा, लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तो हमें बिछड़ना होगा। मुझे मेरे बाप की नाफरमानी की सजा मिली, मेरी बच्ची का ख्याल रखना और उसे माँ बाप की कभी कभी महसूस न होने देना। क्या सोचने लगे हो बरकत? कुछ नहीं माले, आए आए बैठे बैठे माले। गुड्डी कहाँ है? बरकत, जब से मैं यहां आया हूं तुझे चुप सी क्यों लग गई? क्या तू ये तो नहीं समझ बैठा था कि मैं जेल से कभी वापस नहीं आऊंगा? कहीं तेरी नीयत तो खराब नहीं हो गई? नीयत खराब नहीं हुई है मालिक, दिल बेकाबू हो गया है, जिगर का टुकड़ा बना के पाला है मैंने। बाबा ये कौन है? ये मेरे मालिक हैं बेटी, जिनका मैं बरसों से मुलाजिम, दिन रात इन्हीं की नौकरी कर रहा हूं।
नौकरी? कौन सी नौकरी बाबा? तुझे पालने की। बाबा? मैं तेरा बाबा नहीं, तेरा मुलाजिम हूँ। बाबा तो तेरे ये हैं। नहीं बाबा ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती। हकीकत यही है गुड्डी, तू ही मेरी बेटी है। नहीं नहीं, मैं तेरी बेटी नहीं, मैं अपने बाबा की कसौला हूँ। बड़ी लंबी कहानी है बेटी, मैं तो तेरी आंख ही तोड़ बैठा था। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं तुझे कभी देख सकूंगा, मगर शायद बरसों बाद तेरी मोहब्बत ने मेरी बेगुनाही को साबित कर दिया और मुझे रिहाई मिल गई। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तेरे सुनने न सुनने से बाप बेटी का रिश्ता तो नहीं टूट जाएगा? रिश्ता तो तू तोड़ रहा है। नहीं बेटी, बाप बेटी का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। अगर ये रिश्ता टूट गया तो फिर मेरी जिंदगी का क्या फायदा? क्या इसीलिए मैंने जीने की आंसू की थी कि आज मेरी बेटी मुझे बाप मानने से इनकार कर दे? समझाओ और कभी से समझाओ, अगर मेरी बेटी मुझे न मिली तो साहब जी ने तुझे बड़े जतन से पाला है बेटी। जब तू 6 माह की थी तो तेरी माँ तुझे छोड़कर चल बसी थी। साहब जी तुझे देख देख कर जीते थे, मगर जमाने ने बाप को बेटी से जुदा कर दिया। मुझे वो वक्त अब भी याद है जब साहब जी तुझे मेरे पास जुदा हो रहे। कितना तरफ रहे थे तेरे लिए, कैसे थाली मार मार कर रो रहे थे। फिर तो बड़ा मजा आ जाएगा। ताया बरकत का मुंह क्यों लटका हुआ है? खैर तो है ताया बरकत, आप दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। क्यों, कश्माला कहाँ है? उसका बाप ले गया। उसका बाप ले गया? क्या कह रहे हो ताया बरकत, होश में तो हो? होश में तो आ चुका हूं भोला, वरना कश्माला के प्यार ने तो मुझे मदहोश कर दिया था। पराई चीज पराई होती है, पाला पोसा, अच्छे बुरे दिन देखकर उसे जवान किया, और यह तो ड्यूटी थी, बस ड्यूटी पूरी हो गई। फिर वो भला करीब मुलाजिम के पास कहां ठहरती? वो तो बहुत बड़े बाप की बेटी थी। अगर तुम रानी नहीं हो तो फिर चली जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम्हें हर वक्त अपनी आंखों के सामने देखकर मेरा दिमाग फटने लगता है। मैं कहता हूं कि तुम रानी हो, और तुम कहती हो कि मैं रानी नहीं हूं। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? चली जाओ मेरे कमरे से, चली जाओ। मैं भी कितना बदकिस्मत हूं, रानी के लिए रियाज से राजू बना, मगर फिर भी रानी कहती है कि मैं रानी नहीं हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, हमारा बेटा तो बिल्कुल तंदुरुस्त नजर आ रहा है। वो दादी माँ, आपसे तन्हाई में कोई बात करनी थी। सब कुछ सुन लूंगी, मगर हौसले से हफ्ते बाद। लेकिन क्या? कुछ नहीं। अच्छे बच्चे बड़ों का कहा मानते हैं। अंदर देर साहब आए हैं, उन्हें यही ले आओ। अच्छा जी। आदाब। तुम फिर गायब हो गए थे? गायब कहाँ हो गया था, बेटी को लेने गया था। बेटी? आदाब, जीती रहो माशाल्लाह, अल्लाह उम्र दराज करे। नाम क्या है तुम्हारा? कश्माले, नाम भी अच्छा है। ये हमारा पोता राजू है। आदाब। आदाब। अब कैसी तबीयत है आपकी?
डैडी बता रहे थे आपको कोई हादसा पेश आ गया था। ऐसे हादसे तो जिंदगी में पेश आते ही हैं। मगर कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो भूलते नहीं। माशाल्लाह तुम्हारी बेटी तो जहीन भी है। आप ही की है। तो फिर हम इसे हमेशा के लिए अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। लीजिए मैं आपका कहाँ डाल सकता हूँ। तो ठीक है, मुस्लिम सेहत के जश्न में हम मंगनी की रस्म भी अदा करेंगे। जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, चलें ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते हैं। चलो चलो बेटा, चलो बेटा। अब भी कह दो कि तुम रानी नहीं हो। तूने तो मुझे पागल कर दिया है। याद नहीं जब तुम कहती थी तुम्हें देखे बिना चैन नहीं आता। अरे चैन तो तुमने मेरा छीन लिया है। कहां गई वो कसमें, कहां गए वो वादे।
कुछ भी नहीं है, मैं हूँ तेरा दूल्हा, तू है दुल्हन, ये मिलन है बड़ा पुराना। भी कह दो कि तुम रानी नहीं हो। मैं सब कुछ सुन चुका हूं। अगर सुन भी चुके हो तो यह कभी नहीं होगा। लेकिन मंगनी जरूर होगी भतीजे, और मैं कोशिश करूंगा कि मंगनी के रोज जश्न में तुम्हें विरासत दिलवा दूं, ताकि मैं विरासत से और तुम अपनी महबूबा से शादी कर लो। मैं मालूम है कि खानू मेरे पास आया था, मैंने उसे कैंप नंबर 2 में छुपा दिया है। ठीक है बारा, तुम जानते हो कि राजू की मंगनी किसकी बेटी से हो रही है? नहीं बॉस। तुम्हारे पुराने दुश्मन अमजद बेग की बेटी से। मैं तुम लोगों का साथ छोड़ चुका हूं, और बहुत जल्द पुलिस को तेरे कारनामों से आगाह करने वाला हूं। मैं पूछता हूं, तुम्हें मेरे घर आने की जुर्रत कैसे हुई? मैं बॉस की तरफ से नहीं, अपनी बीवी से मिलने आया। बीवी को तलाक दिए पूरे 5 साल हो गए, और तू अब बीवी से मिलने आया है? यह बात तुम उस वक्त भी जानते थे जब तुम हमारे साथ थे। तुमने वादा किया था जब तुम घर जाओगे मुझे मेरी बीवी से मिलवा दोगे। जब मैं तुम्हारे साथ था तो अंधा हो गया था। तुम्हारे बासारके ने मेरी सोचने समझने की कुव्वत छीन ली थी। मुझसे वो काम करवाए जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अगर मैं जान गया हूं कि तुम किस कदर दरिंदे हो। तुम कौन होते हो मेरी बीवी को अपने पास रखने वाले? मेरे मरहूम वाली जब तेरी बीवी का मुकदमा लड़ रहे थे तो उन्होंने उसे अपनी बेटी बना लिया था। तो फिर मेरी बच्ची मेरे हवाले कर दो। तेरी बच्ची मर गई है। तुम झूठ कहते हो। मैं सच कह रहा हूं। और अगर तू अभी यहां से नहीं निकला तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। निकल जा इस घर से। पापा, अमजद बेग, तू अपनी बेटी के लिए तड़पा तो बहुत होगा, मगर अभी तड़पेगा और तड़पता रहेगा। मौका मिलते ही तारा तुमसे इंतकाम जरूर लेगा। मौका डैडी, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। खामोश। गवारों में रहकर तुम्हें इतनी तमीज भी नहीं रही कि बाप से किस तरह बात की जाती? अगर तुमने नीच लोगों में परवरिश पाई है तो तुम खून तो मेरा हो, और मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता कि अपने बाप की इज्जत को खाक में मिला दे। प्लीज कश्माला, समझने की कोशिश करो। अब तुम एक दौलतमंद बाप की बेटी और एक बड़े घराने की लड़की हो। ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैं हां कर चुका हूं, और फिर मंगनी की तारीख भी तय हो चुकी है। खुदा के लिए कश्माला, अपनी पिछली जिंदगी को भूल जाओ। शाबाश, भूल जाओ। मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊं साहब जी? अब मैं यहां नहीं रह सकूंगा भोला। क्यों? इस घर वालों ने आपसे किराया मांग लिया, आपके सामान पर कब्जा कर लिया, आपके पास खाई क्या बगैर टोपी के? यार ऐसी बात नहीं है। जब मैं उन जगहों को देखता हूं जहां कश्माला के कह के गूंजते थे, उन रास्तों को
जब हम दोनों एक साथ कदम उठाते थे तो मुझे दहशत सी होने लगती है। वो जगह वीरान हो गई है ना, तो कोई बात नहीं, मैं उन्हीं वीरान जगहों पर आपके लिए किसी मुजरे का बंदोबस्त करता हूँ। यार बकवास बंद करो, मैं कश्माला को तलाश करने जा रहा हूँ। कश्माला की तलाश को खाला जी का घर नहीं है, उसको तलाश करने से पहले आपको चिराग अलादीन हासिल करना होगा, और चिराग अलादीन कहाँ मिलेगा? शिमला पारी के बाद जो पहले कोका हुआ करता था, यहाँ पर एक जिन हुआ करता था, और जिन अपनी जिंदा है वो मेरा। बरकत ने मुझे उसका पता दे दिया है, मगर वो एक बड़े बाप की बेटी है, पता नहीं पहचानती भी है कि नहीं। अरे क्यों नहीं पहचानेगी, अगर वो ना पहचाने तो खुलम खुला से कहते ना, पहचानो तब भी अकबर खान, न पहचानो तब भी अकबर खान। फरंगिया अरे बकवास तो कभी कम नहीं होगी। लो दही पले का जमाने ही नहीं, नेकी का दरिया में सुटो, सानू की रोटी नहीं खाधी सोए नहीं आ। अरे ये क्या, मैं अब इजाजत चाहती हूँ बेगम साहबा, साहब की भी तबीयत ठीक हो गई है, बस मैं जाना चाहती थी। हमारे यहाँ आकर कोई वापस नहीं गया, और फिर आज तो रियाज की मंगनी भी है, और तुमने तो हमारा एक मसला हल कर दिया। तुम अमजद बेग साहब के यहाँ जाओ, वहाँ कोई औरत नहीं है, कश्माला को तैयार करके तुम ही उसे मादम सलवे के यहाँ ले आओ। लेकिन बेगम साहब वो ये लेकिन लेकिन कुछ नहीं है, मैं चल इन्हें अमजद साहब के यहाँ ले जाओ। जा आई आखिर ये रियाज अब तक आया क्यों नहीं? आप फिक्र मत कीजिए, आ जाएगा। तुम इतना उदास क्यों है बेबी? डैडी से बिछड़ने का बहुत गम हो रहा है। बिछड़ने का गम तो होता है ना। किस वाले साहब जी, साहब जी कहाँ खो गई थी तुम? तुम्हें ही ढूंढ रही थी साहब जी। ये मेरे डैडी हैं। अच्छा तो ये वो साहब जी हैं जिनके बारे में तुमने मुझे बताया था। चलो अच्छा हुआ आज ये तुम्हारी मंगनी के मौके पर पहुंच गए। मंगनी? ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। तुम कौन होते हो जो सब कुछ कहने वाले, और आप मुझसे मेरी जिंदगी छीनने वाले कौन होते हैं? दुनिया ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, और आप मुझसे मेरी जिंदगी छीनना चाहते हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो जमाना चला गया जब मोहब्बत करने वालों की बर्बादी का इख्तियार आपको था। आज की नस्ल अपनी मोहब्बत और अपनी खुशियों की खुद मालिक है, आप नहीं। जलील कमीने! नहीं, अमजद बेग ये भी हमारा पोता है, हमसे नाराज होकर चला गया था। तो फिर ये आपका पोता नहीं है, क्योंकि आपने बताया था कि जब इसे मालूम हुआ कि ये एक लफंगे का बेटा है तो ये घर छोड़कर चला गया था, और आज जब मुझे मालूम है कि इसकी रगों में गुंडे बदमाश नीच और बड़ा फरोज का खून दौड़ रहा है, तो मैं इसे अपनी बेटी के करीब खड़ा रहने की भी इजाजत नहीं दे सकता। अमजद बेग, तुम्हें मालूम है इसकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है? ये जो अपने आप को फुटपाथ की शहजादी कहलाती है, ये जेब तराश भी है और नौसरबाज भी, कभी कभी लोगों का दिल बहलाने के लिए नाच गा भी लेती है। इसे पहचानो अमजद बेग, तुम्हारी वही बेटी है जिसे मैं अगवा करके लाया था। किसने अगवा करके ले गया इसे? अपनी बेटी को? मैंने तो तुझसे तेरी बेटी को बचाने के लिए कहा था, वो मर गई, मरी तो तेरी बीवी थी। ये तेरी बेटी जिसे मैं अपनी बेटी की तरह पाल रहा था, इसीलिए ये मुझे पापा कहती थी। तूने मेरी बेटी को नहीं अपनी बेटी को अगवा किया था तारे, तूने मेरी बेटी को नहीं अपनी बेटी को फुटपाथ की शहजादी बना दिया। नहीं नहीं, तू झूठ बोल रहा है, ये तेरी बेटी है। मेरी तो एक ही बेटी थी जो तेरे सामने खड़ी है, और तू जानता है कि पैदाइश पर इसकी मां मर गई। मुझे बेटी कहा? तेरी बेटी, तेरा बेटा सिर्फ पैसा है, पैसा। तू औलाद का प्यार क्या जाने? आज सी भड़क उठी है सीने में बेटे, फटा जा रहा है,
एक बार बाबा कहकर सीने से लग जा। आज जिनके सीने तूने उठा दिए, जिनकी गोदे तूने खाली कर दी, जिनकी जिंदगियां तूने वीरान बना दी, उनका क्या कसूर था? अरे सालिम, माँ को तो सब भूल जाते हैं, जिंदों को तो कोई नहीं भूलता। सारी जिंदगी इसी आस में गुजर जाती है। अब बवास आई, अब बवास आई, अब बवास आई, मगर तुम ठीक कह रही हो बेटी। पैसे का प्यार इंसान को दरिंदा बना देता है, अंधा कर देता है। मैं मुजरिम हूं तुम्हारा बेटी। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा, मगर मैं उस दरिंदे को भी बेनकाब कर दूंगा जो इंसानियत के नाम पर एक पद्मनुमा दाग है। कहां है वो मासूम बच्चों का सौदागर? रोशन से गोली मारकर भाग गया और इमरान उसके पीछे गया। हाँ दादी माँ, आपके बेटे का कातिल भी खान रोशन है। खान रोशन, राजू सच कह रहा है बेगम साहिबा। अगर तू भी सच बोलने पर आ गया है उस्ताद दारे, तो फिर दादी माँ को बता दे मैं उनका पोता नहीं हूँ। ये तुम ही लोग थे जिन्होंने पैसा की खातिर ये घिनौना खेल खेला था। ये तुम क्या कह रहे हो रियाज? बोल उस्ताद, बोल। मैं दादी माँ को धोखा नहीं देना चाहता। मैं इनका पोता नहीं हूँ, तो बताओ मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मैं कौन हूँ? बता दे, खुदा के लिए बता दे, सच क्या है? सच तो ये है बेगम साहिबा कि मैंने झूठ बोला था। मैंने आपको गलत बताया था कि आपकी बहू के यहाँ मरी हुई बेटी पैदा हुई थी। तो वो बेटी नहीं थी, बेटा पैदा हुआ था, राजू पैदा हुआ था। राजू और इमरान दोनों आपके पोते हैं और ये दोनों सगे भाई हैं। तेरी मौत तुझे यहाँ ले ही आई है भतीजे, तो गिनती के चंद सांस ले ले। मौत किसकी आई है ये तो वक्त ही बताएगा। भाईजान, तो खून ने खून को पहचान लिया। अब जायदाद का वारिस सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, इसलिए कि तुम्हारे बाप की तरह तुम दोनों को भी अपने ही हाथ से मौत के हवाले कर दूंगा। अरे बाप का कातिल? हाँ भैया, यही है हमारे बाप का कातिल और हमारे घर को बर्बाद करने वाला।
खूनी रिश्तों को पामाल करने वाले पैसे के पुजारी, आज तेरा यौम हिसाब है। रुक जाओ राजू, वरना तेरे भाई की खोपड़ी था 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 गोलियों से छलनी कर दूंगा। अच्छा किया तुम आ गए खानू, इन दोनों को गोलियों से छलनी कर दो और इनकी मौत की खबर बुढ़िया को पहुंचा दो, वो खुद बखुद मर जाएगी। ठीक है। गया। हाँ प्यार जीत गया। गजब करे मुखड़े पे तिल काला काला, गजब करे मुखड़े पे तिल काला काला।